मैं पहुंचा हूं पटियाला। और पटियाला के दर्जी बाजार में एक दर्जी के यहाँ मुझे दिखी है ये खूबसूरत पेंटिंग। है दर्जी के यहाँ पेंटिंग्स? खैर जिसने भी ये कलाकारी दिखाई है बड़ी कमाल की है। कलरिंग और शेडिंग का तो जवाब नहीं, एकदम रियलिस्टिक आर्ट लग रही है। लेकिन बाबू मुझे ये कलाकारी पेंट ब्रश और कलर से नहीं बल्कि स्विंग मशीन से की गई है। और इस अद्भुत आर्ट को बनाने वाले अद्भुत बंदे हैं अरुण बजाज, और ये है वर्ल्ड्स ओनली स्विंग मशीन आर्टिस्ट। मेरे फादर टेलर थे और वो स्टिचिंग का काम करते थे। मेरे को भी उन्होंने कहा कि तुम भी मेरे साथ दुकान में आओ और काम करो। मेरे को टेलर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को एम्ब्रॉयडरी का शौक था। बनाते बनाते मेरे मन में ये आता था कि मैं कुछ हटके करूं। अपने स्विंग मशीन और क्रिएटिव माइंड से अरुण जी ने ऐसा हटके किया कि देखने वालों को मिला जोरदार झटका। वो स्विंग मशीन से मास्टरपीस बनाने लगे। मतलब ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है यार, बताइए ना अरुण जी, आपको ये आइडिया आया कहां से? मेरे को गुरु नानक देव जी का ख्वाब आया कि मैं ख्वाब में उनके पोर्ट्रेट बना रहा हूँ सिलाई मशीन से। जब मैं उसको बनाता जब मैं उठा, मैंने कहा ये पॉसिबल है, ये सिलाई मशीन से पोर्ट्रेट बन सकता है। तो मैंने उसको सोचा कि कोशिश क्यों ना की जाए। मेरे सामने गुरु नानक देव जी का एक फ़ोटो लगा हुआ था, वो मैंने फ़ोटो उतारा, उसका ट्रेस बनाया और उसको कपड़े के ऊपर छाप के बनाने लग गया। 1 वीक लगा और वो पिक्चर मैंने बना के तैयार कर दी। OMG, एक सपने को पहले अटेम्प्ट में ही क्या कमाल की रियलिटी दी है अरुण जी ने। और ऐसे यूनिक मास्टरपीस को बनाने में कठिनाइयां भी उतनी ही ज्यादा होती हैं। कोई बंदा पेंटिंग करता है तो ब्रशों के साथ उसका शेड मिला देता है। जब हम थ्रेड कोई चेंज करते हैं, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, उससे डार्क, जब इसको चलाते हैं तो ये एक के ऊपर एक आ जाता है, वो उसके अंदर नहीं जाता। उसको डिटेलिंग में देने के लिए मेरे को काफी टाइम लगा। इस स्विंग मशीन के जादूगर ने और भी बेमिसाल मास्टरपीसेस बनाए हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण का ये माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस। ये दुनिया में सिलाई मशीन से बनी सबसे लंबी धागे की तस्वीर है जो पूरे 3 साल में पूरी हुई है, और इस मास्टरपीस के 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। आइए सुनते हैं कि इनके हुनर के बारे में इनकी वाइफ का क्या कहना है। देखना उन्होंने दिया इंटरव्यूज देखने टीवी ते चैनल ते आंदे हैं जदो ते सानू बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आप कुछ करने की ठान लेना तो वाकई आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अरुण जी की दर्जी से आर्टिस्ट बनने की ये कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है। जिन्होंने ऐसे बेमिसाल मास्टरपीसेस बनाए हैं जिन्हें देखकर हर दिल ये कहता है कि OMG ये मेरा इंडिया। OMG, ये मेरा इंडिया।